नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज अपर मुख्य सचिव गृह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हो रहे कार्य का मुआयना किया गया। तो वहीं पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कर्मचारी और जिले के आला अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। अपर मुख्य सचिव गृह ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। जनपद इटावा से निकलने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुदरैल के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का गोल चक्र बना रहा है। चित्रकूट झांसी उरई जालौन औरैया से होता हुआ इटावा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जिसका आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ जो है यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ लगभग द्वितीय सप्ताह में होगा, तो अगले 10 दिन में सभी काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। कठिन काम है, लेकिन इसको तेज़ी से किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि 27-28 महीने में सड़क बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो रहा है। अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि द्वितीय सप्ताह तक पूरा कंप्लीट करके इसका जो है उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाए।